नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इस सीजन काफी निराशाजनक प्रदर्शन किया है। एमएस धोनी की कप्तानी में पहली बार टीम को ऐसे मुंह के बल खाते हुए देखा गया है। चेन्नई ने अब तक 10 मैचों में सिर्फ 3 में ही जीत हासिल की है, बाकी के 7 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा। कुछ मैचों में चेन्नई का प्रदर्शन सही रहा था और लगा था कि टीम कमबैक कर लेगी, पर ऐसा हो नहीं सका। यूएई में धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स को मात ही मिली और ये सिलसिला शायद आखिरी मैच तक चले। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मिली हार के बाद धोनी काफ़ी निराश दिखे थे। इतनी निराशा थी कि उन्होंने युवाओं को लेकर कह दिया कि हमारी टीम के खिलाड़ियों में अब वो स्पार्क नहीं है। इस बयान पर खूब विवाद भी हुआ। कई सीनियर खिलाड़ियों ने आपत्ति भी जताई कि धोनी ऐसा कैसे कह सकते हैं। पर हाँ, कहीं ना कहीं इस सीजन धोनी के फैसलों ने भी हैरान कर दिए। साथी टीम के खिलाड़ियों ने निराश तो किया ही, अब वक्त आ गया है कि युवा जोश के साथ टीम जाए और बुड्ढों की फौज को अलविदा कह दे। दरअसल ये फील्डिंग के दौरान भी गलती देखने को मिली थी। काफ़ी कैच छूटे थे, डेथ ओवर्स में रन दे दिए, नो बॉल और भी कई कारण हैं। पर इन 3 कारणों पर नज़र डालते हैं जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन इस सीज़न बेहद ही खराब रहा। आपको बता दें, पहला कारण ये है कि टॉप ऑर्डर बल्लेबाज चले ही नहीं। इस सीजन ना शेन वॉटसन के बल्ले से रन निकला और ना ही अंबाती रायडू। फाफ डुप्लेसी ने फिर भी कुछ मैचों में तो 50 लगाया था, पर शेन वॉटसन ने 10 मैचों में 285 रन ही बना सके, जबकि फाफ डुप्लेसी ने इतने ही मैचों में 375 रन ठोक दिए और कुछ जीत में अहम भूमिका भी निभाई थी। पहले मैच में धमाका करने वाले अंबाती रायडू बाकी के मैचों में फ्लॉप साबित हुए। 8 मैचों में 250 रन ही बना सके। टॉप ऑर्डर के ना चलने की वजह से सारा दबाव मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों पर आ गया और नतीजा सबके सामने है। दूसरी और सबसे बड़ी वजह यह है कि मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों ने हमेशा निराश किया। 7 से लेकर 14 के ओवरों में जो रन रेट होता है उस पर चेन्नई के बल्लेबाज खरे नहीं उतर सके। रन बनाने चाहिए थे, पर उन मध्य के ओवरों में उन्होंने विकेट ज़्यादा गवा दिए। लिहाजा होता ये था कि सारा दबाव एमएस धोनी पर आ जाता था और जब धोनी बैटिंग के लिए उतरते थे तो रिक्वायर्ड रन रेट 17-18 के ऊपर हो जाता था। ऐसे में धोनी तो क्या कोई भी खिलाड़ी मैच नहीं जिता सकता है। तीसरी और सबसे बड़ी वजह ये भी है कि डेथ ओवर्स में गेंदबाजों का रन लुटाना और नो बॉल फेंकना। कुछ गलतियां मैच हारने की बड़ी वजह बन जाती है। इस सीजन कई दफ़ा 16 से लेकर 20 ओवरों तक चेन्नई के गेंदबाजों ने रनों पर अंकुश लगाने में नाकाम रहे। साथ ही फील्डिंग में गलतियां हुई, लिहाजा टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो ये है चेन्नई सुपर किंग्स के फेल्यूर होने की सबसे बड़ी 3 बड़ी वजह। आपको कैसा लगा यह वीडियो आप हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे कमेंट बॉक्स में आप चेन्नई की हार की असली वजह भी बता सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।